अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं सना। एक नई रेसिपी के साथ आज हम बनाएंगे चाइनीज़ चिकन कॉर्न सूप। इसके लिए हमने एक कप लिए हैं कॉर्न, स्वीट कॉर्न्स हैं ये। आप जो बगैर सादा बॉयल हुए भी ले सकते हैं और वैसे जो फ्रेश होते हैं वो भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने एक कप चिकन लिया है जिनको रेशो में कर लिया है, बॉयल करने के बाद इन्हें रेशो में कर लिया है, और एक कप गाजर। कुछ लोग इसमें गाजर डालना पसंद करते हैं, कुछ नहीं, जबकि मुझे बहुत पसंद है। इसमें मैं बंद गोभी भी डालूंगी, लेकिन अभी वो मैंने काटी नहीं तो वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। इसके अलावा इसमें हम 3 अदद अंडे लेंगे, काली मिर्च 1 टीस्पून लेंगे। इसके साथ हमने शुगर रखी है, शुगर हम 1.5 टीस्पून लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो हम 1 स्पून लेंगे। और इसके लिए हमने सबसे पहले जो यखनी बनाई है, ये देखें काफ़ी गाढ़ी है ये यखनी। इसमें अभी हम और पानी भी ऐड करेंगे, तो फिर आपको बताते हैं कि किस किस तरह पकाएंगे और क्या क्या इसमें और ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें 1/2 टीस्पून कुकिंग ऑयल लिया है हमने, देखिए बहुत ज़्यादा नहीं लेना। ये भी हमने सिर्फ इसलिए लिया है कि जो हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है वो अच्छी तरह से भुन जाए, वो कच्चा कच्चा उसका जायका नहीं आए। देखिए इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। पहले अब हम इसमें यखनी ऐड कर देंगे। इसके अलावा हम तकरीबन ये 3 ग्लास यखनी है हमारे पास, इसमें हम 2 ग्लास पानी और ऐड करेंगे। अब हम इसमें गाजर ऐड कर देंगे, इसके अलावा कॉर्न, शुगर, चिकन क्योंकि पहले ही हमने अच्छी तरह से बॉईल किया हुआ है, उसको थोड़ी देर के बाद डालेंगे, पहले ये सब अच्छी तरह से बॉईल हो जाए। देखिए अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है, अब हम चिकन ऐड कर देंगे इसमें, ब्लैक पेपर। अब फिर इसको ज़रा अच्छी तरह से पकाएंगे। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर को हमने पानी में मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से, और एग वाइट जो है वो हमने अलग कर ली है, इनको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सूप हमारा अच्छी तरह से पक रहा है, अब हम इसमें बंद गोभी ऐड करेंगे। अभी इसमें हमने शुगर और ब्लैक पेपर सिर्फ ऐड किया है। देखिए सूप तकरीबन हमारा रेडी है, अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम मिक्स करते जाएंगे, जितना गाढ़ा हमें चाहिए हम उस हिसाब से कॉर्नफ्लोर इसमें मिक्स करेंगे। देखिए अब हम इसमें एग वाइट मिक्स कर देंगे और फौरन फौरन इसको हिलाते जाना है। हमारा बिल्कुल रेडी है, अब हम इसे सर्व करने के लिए निकाल लेंगे। देखिए गाइस हमारा कॉर्न सूप बिल्कुल रेडी है, इसे सर्व करने के लिए हमने इस तरह से निकाल लिया है, और इसके साथ हमने सोया सॉस, मिर्च पाउडर और सिरके में हमने हरी मिर्चें मिला के रख दी हैं। पहले हमने नमक इसलिए ऐड नहीं किया कि आप हसबे ज़रूरत बाद में ऐड कर सकते हैं, इसे हमेशा साथ सर्व करते हैं,
तभी भी पहले सोया सॉस ना ऐड करें। कुछ लोग बीपी के पेशेंट होते हैं और कुछ लोगों को वैसे ही नमक बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता, तो इसलिए हम इसे साथ सर्व कर देते हैं ताकि अपनी मर्जी से इसे ऐड कर सकें। तो गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो लाइक और शेयर करें। दुआओं में याद रखिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। I'm not the one who's running out of time.